in three of the six vertices of a regular hexagon are chosen at random, then the probability that the triangle formed with those vertices is an equilateral triangle. First option 1 by 10, second option 1 by 5, third option 3 by 10, fourth option 3 by 20. अभी इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं. ये जेई मेंस में 2019 में आया, एज वेल एज इसके बारे में और एक चीज बता देता हूं. सेम कॉन्सेप्ट एनटीएससी स्टेज टू में रिपीट हो सकते हैं. इस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आ भी सकते हैं. ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट स्टेप तुम लोग का जो होता है केबीपीवाई, केबीपीवाई में भी इसका जैसे कॉन्सेप्ट का भी जरूरत पड़ सकते हैं. फिर एज वेल एज मैथमेटिक्स ओलंपियड, जो स्प्री के लिए भी सिलेक्शंस के लिए भी उसमें भी आ सकते हैं. ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, पहले तो मैं क्वेश्चन दिया, इसके बाद नहीं होता तो हिंट्स देख लीजिएगा, हिंट से नहीं होगा तो सॉल्यूशन देख लीजिए और उसके बाद मेरे को इसका सॉल्यूशन करके सेंड कर दीजिए. ये तीन स्टेप में तब इस तरीके से होगा. ठीक है, तो और एक बार रिपीट कर रहा हूं, थ्री ऑफ द सिक्स वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन और चूजेन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड विद दोस वर्टिसेस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज फर्स्ट ऑप्शन 1 बाय 10, सेकंड ऑप्शन 1 बाय 5, थर्ड ऑप्शन 3 बाय 10, फोर्थ ऑप्शन 3 बाय 20. ओके बेटा.